मुल्क में आज यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 जबकि विफाकी दारुल हुकूमतों में 31 तोपों की सलामी से हुआ। पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने नारे तकबीर के फलक शगाफ नारों से मादर वतन के दिफा के अजम का इजहार किया और ऐवान सदर में तीनों मुसल्ला फाज की परेड की तकरीब होगी। मुसल्ला फाज की रिवायती परेड महदूद पैमाने पर कराने का फैसला किया गया। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज अलल सूब सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 जबकि विफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी से हुआ। पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने नारे तकबीर के फलक शगाफ नारों से मादरे वतन के दिफा के अज़म का इजहार किया। ऐवान सदर में तीनों मुसल्ला अफवाज की परेड की तकरीब और मुसल्ला अफवाज की रिवायती परेड महदूद पैमाने पर कराने का फैसला किया गया। लाहौर के अजायब घर में 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क में होने वाले तारीखी जलसे की कई ओरिजिनल तस्वीर और दस्तावेजात महफूज हैं। हुकाम ने कयाम पाकिस्तान गैलरी को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला किया। तफसीलात बता रहे हैं आसिफ महमूद। 22 और 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटो पार्क में तारीखी जलसा हुआ। ये वही मुकाम है जिसे आज की नस्ल ग्रेटर इकबाल पार्क के नाम से जानती और पहचानती है। जलसे में अजीम कौमी रहनुमा मौलवी फजलुल हक ने करारदादे लाहौर पेश की जिसमें मुसलमानाने हिंद के लिए अलग वतन का मुतालबा किया गया था। ये करारदादे लाहौर ही करारदादे पाकिस्तान साबित हुई। इस तारीखी जलसे की कई ओरिजिनल तस्वीरें लाहौर अजायब घर की गैलरी में सजाई गई हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये पता चलता है कि पाकिस्तान को कितनी मुश्किलों और कितनी कुर्बानियों से हासिल किया गया। लाहौर अजायब घर के डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान का कहना है कि हमें पाकिस्तान गैलरी को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला किया गया है। हमने फैसला किया कि हम इस गैलरी को नए सिरे से तरतीब देंगे और उसमें तस्वीर के साथ साथ चंद दूसरी टूल्स भी हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर तारीखी दस्तावेजात हैं, तारीखी आर्टिफैक्ट्स हैं। इस गैलरी में ना सिर्फ तहरीके आज़ादी की जदोजहद में हिस्सा लेने वाले अजीम कायदीन की तस्वीर भी सजाई गई हैं बल्कि पाकिस्तान का सबसे पुराना झंडा भी असली हालत में क़यामे पाकिस्तान गैलरी की जीनत बनाया गया है। क़यामे पाकिस्तान गैलरी के आईना खाना में तहरीके आज़ादी की बहुत सी झलकियाँ देखी जा सकती हैं। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 30 अप्रैल को आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए। पंजाब में इलेक्शन अब 8 अक्टूबर को होंगे। 8 मार्च को जारी किया गया इंतखाबी शेड्यूल भी वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक पुरमन शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। माशी बहरान के बायस वजारत खजाना ने फंड्स की फराहमी से माजूरी जाहिर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 30 अप्रैल को आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए। पंजाब में इलेक्शन अब 8 अक्टूबर को होंगे। 8 मार्च को जारी किया गया इंतखाबी शेड्यूल भी वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, 30 अप्रैल को होने वाले पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अब पंजाब असेंबली के इंतखाबात 8 अक्टूबर 2023 को होंगे जबकि शेड्यूल दोबारा जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सदर मुमलिकत के साथ इंतखाबात की तारीख के लिए रुजू किया गया। इंतखाबात मुलतवी से मुतलिक सदर आरिफ अलवी को भी आगाह कर दिया गया। आर्टिकल 218(3) इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 58 और 8(c) के तहत इंतखाबात मुलतवी किए गए। इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुल्की माशी और सिक्योरिटी सूरतेहाल के बायस मुलतवी किए गए। फैसला सिक्योरिटी इदारों की सिफारिशात की रोशनी में किया गया। तमाम इदारों और महकमों के साथ तफसीली इजलास हुए जिनमें पंजाब असेंबली के इंतखाबात के इनेकाद का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग के मुताबिक पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी दाखला ने बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात से आगाह किया। स्पेशल सेक्रेटरी दाखला ने बताया कि मौजूदा हालात में शफाफ और पुरअमन इंतखाबात मुमकिन नहीं। वजारत दिफा ने बताया कि पाक फौज की पोलिंग स्टेशन पर तैनाती मुमकिन नहीं होगी। सेक्रेटरी खजाना ने बताया कि मुल्क माशी बहरान का शिकार है, IMF के साथ मामलात इल्तिवा में हैं, ऐसे हालात में फंड्स की फराहमी मुमकिन नहीं। इस सूरत हाल में शफाफ आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं, इसलिए 8 मार्च को जारी पंजाब इलेक्शन प्रोग्राम का नोटिफिकेशन वापस लिया जा रहा है। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
पूरे मुल्क में एक साथ आम इंतखाबात होने चाहिए। वफाकी काबीना अरकान का मौकिफ, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पंजाब और केपी में इलेक्शन पर गौर किया गया। वज़रा ने कहा, दो सूबों में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं, सिक्योरिटी और माली सूरत हाल इलेक्शन के लिए मुनासिब नहीं, हुकूमत के पास फंड्स की कमी है, IMF से बातचीत चल रही है। पूरे मुल्क में एक साथ आम इंतखाबात होने चाहिए, वफाकी काबीना और अरकान का मौकिफ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पंजाब और केपी में इलेक्शन पर गौर किया गया। वज़रा ने कहा, दो सूबों में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं, सिक्योरिटी और माली सूरत हाल इलेक्शन के लिए मुनासिब नहीं है, हुकूमत के पास फंड्स की कमी है, IMF से बातचीत अभी चल रही है। पंजाब के इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन ने आइन के खिलाफ वर्जी की। चेयरमैन पीटे इमरान खान का रद्द अमल कहते हैं, आज सबको अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए, वो आइन की हिफाजत करेंगे। अगर आज इलेक्शन कमीशन का फैसला मान लिया जाए तो ये पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा है। 90 रोज में इंतखाबात के लिए हमने अपनी 2 सूबाई असम्बलियों को तहलील किया। फाशिस्टों के ग्रुप को दहशतगर्दी का राज मुसलत करने की इजाजत देने के लिए असम्बलियाँ तहलील नहीं की। पंजाब के इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन ने आइन के खिलाफ वर्जी की है। आइन में है इलेक्शन एक ही दफ़ा हो, एक साथ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में बुहरान पैदा होगा। वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला ने पार्लियामेंट से रहनुमाई मांग ली। कहते हैं, चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन रोकने की कोशिश की तो मुदाखलत करेंगे। जनाब, आप मुदाखलत नहीं, हुक्म करें। आपके हुक्म को रद्द करने का सोचा भी नहीं जा सकता। क्या हमारी राय गैर कानूनी है? 90 दिन में जो है वो इलेक्शन करवाने की आइनी कदगन है। वैसे 30 अप्रैल जो है वो 90 दिन के अंदर नहीं है, वो 90 दिन से बाहर है। चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया है कि इलेक्शन रोकने की कोशिश की गई तो हम मुदाखलत करेंगे। जनाब, आप मुदाखलत क्यों करेंगे? आप हुक्म करेंगे। क्या आइन में ये स्कीम जो दी गई है कि जब इलेक्शन हो तो तमाम असम्बलीज का, कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन जो है वो एक ही दफ़ा हो, क्या ये हमारी राय जो है इसका आपके सामने रखना, क्या ये कोई गैर कानूनी गैर आइनी अमल है? ऑडियो लीक्स के ऊपर मुअज्ज़ज़ अदलिया के जजेस इस्तीफे भी देते रहे हैं, उनके खिलाफ जुडिशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो मामला चलाए भी जाते रहे हैं। उस ऑडियो लीक में जो 2 दिन पहले हुई है, तो क्या इसके ऊपर कोई तहकीक नहीं होनी चाहिए? यह किसी की जिम्मेदारी नहीं है। क्या आप पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं? सहाफी का वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला से सवाल। राना सनाउल्ला ने जवाब दिया, किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना दुरुस्त अमल नहीं है। पार्लियामेंट आइन की पासदार है, रहनुमाई में तमाम इदारे अपना किरदार अदा करेंगे। आइन और कानून की पासदारी की जाएगी, जो बात हम कर रहे हैं वो भी आइन में से ही कर रहे हैं। सियासी जमात पे पाबंदी लगाने का जो मामला है, ये कोई इतना बेहतर अमल नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, उन्हें मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल करने का मंसूबा है। जमान पाक में दोबारा पुलिस ऑपरेशन होगा। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं, उधर इस्लामाबाद से उसने चूज़ किए IG ने, और इधर से इसने मुंतखब किए हैं जो पंजाब का IG है। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं, वो क्या करेंगे? वो हमारे लोगों के अंदर यहाँ आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने, और उसके बाद वहाँ से अटैक आना है। उन्होंने गोलियाँ चला दी हैं, हमारे लोगों को यहाँ मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे, और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। मैं आज अपने सारे कारकुनों को, जो मैं आपको पहले कहता रहा हूं, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, हमने कभी किसी किस्म के तसादम में नहीं हिस्सा लेना। इस बारी अगर ये आपको कोशिश करेंगे इश्तियाल देने के लिए,
तो आपने किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देना, और अगर ऐसी कोई चीज आपने निकाली जिसमें मुझे जेल में जाना पड़े, मैं जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे लोगों का कत्लेआम हो। पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड मैं तोड़ चुका हूं। क्रिकेट में मैंने कई रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन आज केसेस के रिकॉर्ड तोड़ चुका हूं। पता नहीं कितने 100 वर्कर्स यहां इधर से उठा लिए हैं, पिंडी में, इस्लामाबाद में लोगों को पकड़ रहे हैं, जेल में पकड़ रहे हैं, फैसलाबाद में। यानी एक ऐसे है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ कोई इतनी खौफनाक जमात है, मुजरमों की जमात है कि इनको जिधर पकड़ो इनको जेलों में डालो। इमरान खान के कातिलाना हमलों के इल्जाम की तहकीकात के लिए कमीशन कायम, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा संगीन इल्जाम की जामे तहकीकात होंगी, किसी भी सूरत में सख्त एक्शन लिया जाएगा। इमरान खान के कातिलाना हमलों के इल्जाम की तहकीकात के लिए कमीशन कायम कर दिया गया, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा संगीन इल्जाम की जामे तहकीकात होंगी, किसी भी सूरत में सख्त एक्शन लिया जाएगा। इमरान खान के कातिलाना हमलों के इल्जाम की तहकीकात के लिए कमीशन कायम, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा संगीन इल्जाम की जामे तहकीकात होंगी, किसी भी सूरत में सख्त एक्शन लिया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ऐलान, उन्होंने कहा कि संगीन इल्जामात की जामे तहकीकात होंगी, इमरान खान के कातिलाना हमले के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमीशन कायम। मोहसिन नकवी ने कहा किसी भी सूरत में सख्त एक्शन लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसे तहफ़ फराहम करेंगे, साफ शफाफ इंतखाबात कराने में बदनीयती होगी तो मुदाखलत भी करेंगे। मजीद बता रहे हैं अकील अफसल। सुप्रीम कोर्ट ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दौरान समाअत वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा इंतखाबात से पहले ब्यूरोक्रेसी में तबादले करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा कानून के तहत निगरान हुकूमत तबादले इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से करती है। इलेक्शन कमीशन खुद से भी निगरान हुकूमत को अफसरान के तबादलों के अहकाम दे सकता है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार बड़ा वसी है, तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस ने हालिया मुबैना ऑडियो वीडियो टेप्स के हवाले से वाजे करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। अदलिया पर भी हमले हो रहे हैं, ये ऑडियो टेप्स वायरल कौन कर रहा है? क्या इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत है? हम इन टेप्स पर सब्र और दरगुजर का मुजाहिरा कर रहे हैं, इदारे का हर सूरत तहफ्फुज करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट की बातों को गलत समझा जाता है। हमने एक केस में कहा 1988 में एक ईमानदार वजीर आज़म था, हमारी इस बात को पार्लियामेंट ने गलत समझा, ये नहीं कहा कि आज तक सिर्फ एक ही ईमानदार वजीर आज़म आया है। हमने आईनी इदारों को अपने फैसलों में तहफ्फुज दिया है। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है इमरान खान के दौर में मुल्क माशी तरक्की कर रहा था, शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने तरक्की का सफर रोक दिया। चौधरी परवेज इलाही से साबिक सूबाई वजरा राजा मोहम्मद बिशारत और मियाँ महमूदुर रशीद ने मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने का दावा करने वालों ने आज तक कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की तारीख में पहला रमजान है जिसमें आवाम को सहरो अफ्तार के लाले पड़े हुए हैं, मुफ्त आटे के हसूल के लिए कीमती जानें जाया हो रही हैं, लेकिन हुक्मरान लैपटॉप तकसीम करने में मसरूफ हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह अदलिया और जजेस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, ना अहल हुक्मरान जो मर्जी कर लें, आवाम उन्हें इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। कानून और आईन से कोई बालातर नहीं, वजीर आजम शहबाज शरीफ का थर थर में तवानाई मंसूबे की तकरीब का खिताब, कहा पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ेगी, जाती मफाद हजार बार मुल्क पर कुर्बान, आईन सबके लिए मुकदम है। वजीर आजम ने 1320 और 303 मेगावाट के दो मंसूबों का इफ्तिताह किया। वजीर आजम का वफाकी हुकूमत की जानिब से थर में अस्पताल के तोहफे का भी ऐलान। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही, मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।